खाली बैग। रामलाल पैसे कहाँ हैं? गिरा दिए क्या? डूब गए। कैसे कैसे बताता हूँ कैसे डूब गए। जुए का टेबल तोड़ा, 10,000 रुपए चुकाया। 2 कुर्सियां तोड़ी, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए हुए ना बाकी। 2 कट ग्लास के एक्स्ट्रे, 900 रुपए। 12,900 बाकी। और झूमर 20,000 रुपए। 32,900 बाकी। गुलदस्ते और छोटी मोटी चीजें 1,000 रुपए। हाँ तो यार 33,900 बाकी। बाकी वो जो सुपरमैन की तरह डाइव मार के निकल गया था ना कांच तोड़ के, वो इम्पोर्टेड कांच था, 15,500 रुपए भर के आ रहा हूँ। ओहो, इतना कीमती कांच तोड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी? सीधे सीढ़ी से नहीं आ सकते यार? मुझे कोई शौक है कांच तोड़ने का, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। तू गाना गा लेता। लेकिन रामलाल फिर भी 600 रुपए तो बचे होंगे ना यार? 600 रुपए? ये मेरी हालत देख रहे हो? क्या हुआ? नंगा आने वाला था यहाँ, 500 रुपए कपड़ों का भाड़ा देकर आ रहा हूँ। ये 100 रुपए बचे हैं, इसे संभाल के रख लो। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आज के अखबार में जो हमारे कारनामों की तारीफ छपी है, उसे जब ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे ऑफिस के सामने कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। लग गई। बादशाह का ऑफिस किधर है? ये क्या ऊपर है ना? ये बादशाह का ऑफिस है। अरे इधर से मैं 4 बार गुजरा, मेरे को किसी ने बताया नहीं। जा बेटा, थैंक यू। ओके। अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बन भी होता है। सिग्नल दो। यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, इधर सब कुछ ऑटोमेटिक है। इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठी है। ये हेड़ा, इधर नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा? मेरे को हेड़ा बोलता है सारा। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलाज और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ, और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ रुपए हैं। Don't waste my time. Okay, Tata, bye bye. अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। Okay, Mr. Basha, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ $10,00,000 देने को तैयार है। अमेरिका? No, मैम। तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ए ऊपर कैलकुलेटर है। नीचे कर। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शट अप, ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि ऑपरेशन करने का है लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके, माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ए गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ?
तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना? ओ, आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा, और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर है। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतार ना यार तू। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। दे, कभी मेरा दिमाग बहुत गरम है, ठंडा होने दे, उसके बाद थमने दिमाग से हम सोचेंगे। नीचे उतार। नीचे तो मैं क्या करूँ, माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं नहीं करूँगा तेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही है माँ? माँ झूठी बात है माँ, यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर माँ, प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे, तुम लोगों को गणपत राय का पूरा फैमिली मैड है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गयो ने माँ, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात कर रही रहूंगी, तुझे हवालदार बना। माँ एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे? हाँ। तो बस माँ प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सच, अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा माँ। सच। अच्छा अच्छा, चल कर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अरे वो चारों नालायक कहाँ गए? हम सब यही हैं। लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ू। हाँ? वो भी मालदार है। वो रहा। नो 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 इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेटली सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे को मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता, चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे भाभी केम छे? मजा मा? गुड। मारी याद आप जो? ओके ओके बाय बाय। हाँ आओ जो, आओ जो, आओ जो। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बाया हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए, कहिए क्या काम है। ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं नहीं आप समझे नहीं, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। यह है नितिन धर्मपाल। हाय। मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। ओ, समझ गया समझ गया समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो। वो नितिन को पसंद तो करती है लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहता। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा? और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर, अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं। जी। और 26 तारीख से पहले
आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दो। जी बिल्कुल, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं नहीं चुंजुवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है चुंजुवाला साहब? अब आपका केस ही कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो 10 बढ़ा ले ₹10,000 एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच वेरी मच। झुंझुनवाला साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो चिकी 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 पैसा मिल गया रे, पैसा आ गया।